वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दशहरे की क्या कुछ तैयारियां जोधपुर में चल रही हैं, ललित परिहार से हम जानेंगे। ललित, किस तरीके से तैयारियां आज दशहरा पर्व को लेकर हैं, तमाम इंतजाम कैसे आप वहां पर देख रहे हैं, सुरक्षा के लिहाज से भी और बाकी तैयारियां कैसी हैं? ललित, हमारे कमेंटेटर बॉक्स में और खास तौर पर पराग इस समय मैं रावण का चबूतरा मैदान में मौजूद हूँ, जहाँ की दशहरा का मुख्य समारोह होना है। रावण दहन का मुख्य समारोह यहाँ होना है और रावण की पुतले तैयार है। रावण और उसके परिजनों के पुतले आप देख सकते हैं कि यहाँ ये तैयार किए गए हैं, मंच पर ये पुतले लगाए गए हैं। सामने देखते हैं बीच में रावण का पुतला है, करीब 60 फुट ये पुतला है और 5 फुट नीचे स्टैंड है, 65 फुट ऊंचा ये पुतला है, जिसको सभी पुतलों को बनाने में 5,10,000 रुपए का खर्च आया है। 3,80,000 रुपए आतिशबाजी के लिए खर्च किए गए, जो कि पुतलों के दहन के बाद उस समय जब थोड़ा सूर्यास्त हो रहा होगा, हल्का अंधेरा छाने लगेगा, गोधूली वेला का समय होगा, उस समय यहाँ पर आतिशबाजी की जाएगी, सभी पुतलों का दहन हो जाएगा, तो उसके बाद आतिशबाजी की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस कार्यक्रम के समारोह के मुख्य अतिथि होंगे, जो कि यहाँ पे रिमोट का बटन दबाकर ये एक रॉकेट है, इस रॉकेट को छोड़ेंगे, इस रॉकेट को छोड़ने से ये सीधा छाती में जाके लगेगा रावण की और उसके साथ ही रावण के पुतले का दहन शुरू हो जाएगा। लोग आना शुरू हो गए हैं, बहुत बड़ा मैदान है, देख सकते हैं चारों तरफ की लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और जो अखाड़े हैं, जो रामजी की सवारी के साथ में व्यायामशालाएं हैं, जिनके कार्यकर्ता लगातार व्यायाम प्रदर्शन करते हुए आवाज का करिश्मा दिखाएंगे और राजस्थान के वो फनकार जिन्होंने मैदान है रावण का चबूतरा मैदान और यहाँ पर और अभी लोग आने हैं, हजारों की संख्या हो जाएगी वो कलाकार यहाँ पर होंगे। बहरहाल यहाँ पर अब क्या माहौल है और क्या रावण दहन का संस्कार और यहाँ पर पूजा होगा, इस बारे में जानकारी के लिए मैं माइक्रोफोन दे रहा हूँ मेरे साथी कमेंटेटर जो नगर निगम के अभियंता है, वरिष्ठ अभियंता है रावण गुप्ता, केवल कमेंटेटर नहीं है, रिमोट का बटन दबाना होगा। यहाँ पर ये एक जो छोटा सा रॉकेट लगा है ये बांस के सहारे, इससे यहाँ पर रिमोट लगाया जाएगा और रिमोट का बटन दबाने के साथ ही ये रॉकेट छूटेगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, रावण की छाती में लगेगा, उसके साथ ही रावण का दहन हो जाएगा, रावण के दहन के साथ रावण के पुतले जो है, परिजनों के जो पुतले हैं वो भी जलते रहेंगे। और जब से ही सभी पुतले जल जाएंगे और उस समय थोड़ा हल्का अंधेरा भी छा चुका होगा, उस समय आतिशबाजी शुरू होगी और काफी देर तक यहाँ पर मौजूद लोगों के अलावा शहर के ज्यादातर हिस्से से इस आतिशबाजी को देखा जा सकेगा। आकर्षक आतिशबाजी का प्रबंध नगर निगम ने किया है, काफी शहर के देखा जा सकेगा आतिशबाजी यहाँ से लगातार, जब तक अंधेरा छा जाएगा और उस समय जो आतिशबाजी होगी, रंग बिरंगे जो सितारे आकाश में जाके फूटेंगे वो एक नजारा अलग ही देखने का होगा। ललित, ये बताइए कि रावण दहन का जो कार्यक्रम का समय है वो कितने बजे का रखा गया है और लगभग कितने लोगों की भीड़ आज यहाँ पर इकट्ठा हो सकती है, मुख्यमंत्री कितने बजे यहाँ पर पहुंचेंगे? मुख्यमंत्री महोदय और गस्ती के साथ करेंगे और साथ जो अनुमान है उसके अनुसार 5:30 बजे तो कार्यक्रम तय किया गया है, लेकिन गोधूली वेला 5:30 बजे के बाद कुछ देर में जब हल्का चुटकुला छाने लगेगा, गोधूली वेला का समय हो जाएगा। गोधूली वेला का अर्थ है कि जब पुराने समय में गाय वापस अपने गाँव की तरफ अपने घरों की तरफ लौटती थी चरने के बाद में, और उस समय जो उनके पैरों से गायों के खुरों से जो धूल उड़ती थी वो गोधूली वेला कहलाती थी। और करीब करीब सूर्यास्त से थोड़ा सा पहले का समय होता है और मुख्यमंत्री कुछ देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं जोधपुर। वो एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, उस समय उन्होंने पत्रकारों से बात भी की और अगले बजट के बारे में बताया, जो कि युवाओं और विद्यार्थियों को समर्पित बताया है। और इसके लिए पूरे प्रदेश में युवाओं विद्यार्थियों से मुख्यमंत्री ने सुझाव भी मांगे हैं कि किन बातों को बजट में शामिल किया जाना चाहिए। उसके बाद अपने पैतृक आवास जो
उनका महामंदिर में है वहाँ के लिए मुख्यमंत्री रवाना हो रहे हैं। बीच में थोड़ी देर से बिताव चुके थे। पहले जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री का आया था उसके अनुसार उनको रात्रि विश्राम जोधपुर में करना था और कल सुबह 9:30 बजे रवाना होना था, लेकिन जो नया कार्यक्रम अब तक आया है सामने, हालांकि ये भी पूरी तरह से फाइनल नहीं है, लेकिन इस कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री को आज रात में ही जयपुर लौट जाना है। तमाम जानकारी